विस्थापितों के ऊपर न्याय करने के लिए बनाना होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है विस्थापन आयोग का गठन विचार में नहीं है या फिर नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे ये आश्वासन चाहिए कि विस्थापितों के साथ न्याय कब होगा, कैसे होगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा? हो गया, इल्लीगल माइनिंग चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आप बोले आप सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, ये सवाल विस्थापन से समस्या, विस्थापितों का समस्या से रिलेटेड है और मैं हर बार हर सदन में ये सवाल उठा रही हूँ अध्यक्ष महोदय। चाहे वो चट्टी बरियातू प्रोजेक्ट का मामला हो या फिर पकरी बरवाडी का मामला हो या फिर गोंदलपुरा के अडानी का मामला हो। यहाँ अध्यक्ष महोदय लिखा हुआ है अडानी के मामले में कि गोंदलपुरा में आम सभा के आलोक में भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जबकि वहाँ पे कोई आम सभा हुआ ही नहीं है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ग्रामीणों का विरोध किया जा रहा है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है कि RFCTLARR 2013 का अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सच में किया जा रहा है RFCTLARR का अनुपालन? ये बिल्कुल सरासर ये अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय मैं लाखों लोगों की तरफ से बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ ये मेरे बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। आपका तो उत्तर दिया हुआ है, पूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी देने के लिए तैयार है, आप सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय। सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है इसको तीन बार मान्य सदस्य द्वारा इसको उठाया गया है। सिर्फ इसमें जोड़ा है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा गोंदलपरा कोयला खनन क्षेत्र के भूमि अर्जन हेतु RFCTLARR 13 के तहत आवेदन समर्पित की गई है। ग्राम सभा के क्रम में स्थानीय ग्रामीण द्वारा विरोध किया जा रहा है। महोदय, इसमें मान्य सदस्य ने यह पूछा गया है कि इसको काम शुरू किया है, वहाँ काम किसी तरह का भी काम नहीं शुरू किया गया महोदय। उसमें ग्राम सभा द्वारा जो विरोध हुआ है, इसलिए उसमें काम शुरू हुआ ही नहीं है। और इनका कहना है कि वहाँ काम चालू हो गया, इसलिए इसमें किसी तरह का काम शुरू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जमीन की लूट नहीं हो रही है? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे लिखा हुआ विस्थापन आयोग की गठन नहीं होगी, क्या RFCTLARR का अनुपालन सच में हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, विस्थापन से जुड़ा हुआ समस्या है पूरे राज्य का है। अध्यक्ष महोदय, हमें विस्थापन आयोग का गठन विस्थापितों के ऊपर न्याय करने के लिए बनाना होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है विस्थापन आयोग का गठन विचार में नहीं है या फिर नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे ये आश्वासन चाहिए कि विस्थापितों के साथ न्याय कब होगा, कैसे होगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा? हो गया, इल्लीगल माइनिंग चल रहा है अध्यक्ष महोदय। सरकारी शिक्षकों का स्थानांतरण कई वर्षों से नहीं हो रहा था। विभाग द्वारा विगत दिनों नियमावली बनाकर पति पत्नी को एक स्थान पर स्थानांतरण करने तथा असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया गया है, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी है, परंतु सामान्य शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण के लाभ से वंचित रखा गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि सामान्य सरकारी शिक्षकों को भी अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाए।